जय श्री कृष्णा, वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे डबल चॉकलेट कपकेक, जो बड़ों को और बच्चों को दोनों को ही बहुत पसंद आते हैं। तो चलो उसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे, 1/4 कप कोको पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसे साइड में रख देंगे और एक दूसरा बाउल ले लेंगे। अब हम इस बाउल में 1/2 कप शुगर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर नेचुरल शुगर का यूज़ किया है, आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप बॉइल्ड मिल्क डालेंगे, हमें कच्चा दूध यूज़ नहीं करना है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम उसमें 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे, पिंच नमक डालेंगे। अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब भी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम उसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अब हम इसमें 1/2 कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल देंगे, हमने इसे छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे कपकेक के मोल्ड में डाल देंगे। अभी हमने यहाँ पर कपकेक बनाने के लिए सिलिकॉन मोल्ड लिए हुए हैं, आप कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सिलिकॉन मोल्ड है इसलिए हमें ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें हमारा जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। हमें कप को पूरा फिल नहीं करना है, 3/4 कप जितना ही हम उसे फिल करेंगे। हमने सारे मोल्ड को फिल कर लिया है, अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। हमने गैस पर एक पैन रखा है और इसे प्री हीट कर लिया है। हमने उसमें नमक डाला हुआ है, अब हम उसमें एक स्टैंड रख देंगे। अब हम उसके ऊपर हमारे कपकेक का जो प्लेट है वो रख देंगे। अब हम उसे ढक देंगे और 25 टू 30 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इसे बेक होने देंगे। 25 मिनट्स हो गए हैं तो हम इसे खोल के देख लेते हैं। अब हम उसे टूथपिक से चेक करेंगे, हमारी टूथपिक है वो अच्छे से क्लीन बाहर आई है, तो हमारी जो कपकेक है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारे कपकेक है वो अभी ठंडे हो गए हैं, अब हम उसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे कपकेक को मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। अब हम कपकेक को डेकोरेट करेंगे। कपकेक डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग लिया है और उसमें व्हिप क्रीम है वो डाल दिया है। अब हम इससे कपकेक को डेकोरेट करेंगे।
अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट ग्रेट कर देंगे। अभी हमारी डबल चॉकलेट कपकेक बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।